फेंक ही देगा, और हिलो टो डोलोगे तो धंसते जाओगे। इसीलिए जिंदगी में कभी भी सलीनता के साथ काम करिए, आपदा आती है। मेरे जीवन में मुझे लगता है कि अगर मैं तो 6 महीने तो मैं कम से कम परेशान ही रहता हूँ। जमीन पे रह के कलाकारों का सम्मान करके कलाकारों के लिए क्या कर दें, मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था, भाई सच पूछिए तो मैं माइक पे बोल रहा हूँ, कितने लोगों को बुरा भी लगेगा, इतना अच्छा व्यवस्था आपको सिनेमा में भी नहीं मिलता यार। जैसे इतना स्वीट रूम वगैरह, मैं तो स्वीट रूम में इनका ही मैं रहता हूँ, बाकी तो हमारे चटाइयों पर सुता दे सब। एक सिनेमा था, मैं गया था यूपी में करने, सर बारात घर में सो के 15 दिन काम किया, क्योंकि मेरे नेचर में है कि मैं वहां काम करने गया हूँ। मैं रहा हूँ स्वीट रूम में, ये दुनिया देखने नहीं आएगी। मैं काम कितना अच्छा किया हूँ, ये दुनिया देखने आएगी। तो मैं उस चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि वो पर्दे के पीछे की चीज है। लेकिन जब भी बद्री झा मुझे बिजनेस क्लास का टिकट भी देते हैं, बोलना पड़ता है, और बोलता है आदमी की तरह, देख लीजिएगा, 2-4 हज़ार ज्यादा लगता है, क्या फर्क पड़ता है, वो काट लीजिएगा मेरे हिसाब में से। लेकिन ये काटते नहीं है, ये ब्राह्मण कुल है, और ब्राह्मण कुल के हर आदमी को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं एक शिष्य भी ब्राह्मण का ही हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके लिए मेरे मन में हमेशा एक सम्मान, और एक बड़े भाई की तरह मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले इनका छोटा भाई हूँ। तो जब भी मिलता हूँ तो पैर छूता हूँ इनका, ये क्या है नहीं पता मुझे, बट एक ब्राह्मण कुल के इंसान है, इसीलिए मैं इनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ, तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं यार मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो जिंदगी में कभी भी वो किस जाति से कौन आता है ये मायने मत रखिएगा, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसका पैर जरूर छूएगा। जानते हैं किसके हाथ में आपका कीर्तिमान लिखा है, किसी को बता नहीं। तो झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। तो कोशिश करिए कि झुक के अपने जीवन को बड़ा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का कद्र करिए। उससे बेहतर जीवन जीने का कोई जरिया नहीं है, और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर 10 लोग आपको जान गए तो वही 10-20 को जनाएंगे, वही 20-30 को जनाएंगे, और ऐसे ही दुनिया में एक आप एक मिसाल कायम कर जाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि खुद को बस डाउन टू अर्थ रखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू। क्या बहुत जबरदस्त। तो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। रंजन जी एक सेकंड, मुझे भी ये लास्ट में ये बोलना था, बद्री सर बहुत अच्छे हैं। अरे बद्री सर बहुत ही अच्छे हैं। बद्री सर का दिल बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे डांटा था। कोई बात नहीं सर, मैंने पहली बार डांट खाई थी, तब से हम ज्यादा बहुत अच्छे हो गए हैं। okay. और मैंने बहुत अच्छे से एक्टिंग भी की थी उसके बाद। राइट, बद्री सर बहुत अच्छे हैं, कोई मत भूलिएगा सर। हार्ड होता। आप कोई सवाल करना चाहता है? हाँ सर, आपने इससे पहले बंगलिनिया सॉन्ग गाया था, आपको बंगाली लोग कैसे लगते हैं? भाई जहाँ हमारा बिजनेस होता है वहाँ सब लोग अच्छे लगते हैं। खेसारी भैया, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे थैंक यू सो मच ब्रो। और आपका जो गाना है ये बंधु 3 दिन, ये गाना अभी पूरे भारत में ट्रेंडिंग नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए लोगों का प्यार है, माइक में बोलो। मुझे लगता है कि माइक में बोलूंगा तो शायद आपके कैमरे में उस चीजें साफ नहीं आएगी। आ रही है? ट्रेंडिंग में होना और नहीं होना ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं लोगों पे अपनी छवि और अपने संगीत का असर कितना छोड़ जाता हूँ ये मेरे लिए मायने रखता है। मैं व्यूअर के लिए काम नहीं करता कभी कि मेरा व्यूअर कितना आ गया, मेरे रील कितने बन गए, नहीं। मुझे लगता है कि मैं असर कितना कर गया। देखिए मेरे कहने का मतलब, कोरोना काल में जान कितनी बची ये मायने रखता है, मरे कितने लोग ये मायने नहीं रखता है। हमें गिनती बचाने वाले की होनी चाहिए। तो हमारी संगीत से खुशी कितने लोगों की मिल रही है, मैं उसके लिए हमेशा काम करता हूँ। और एक चीज और कि मैं महीने के 20 गाने गाता हूँ। कितने लोगों का ये होता है कि यार इतना गाना क्यों गाते हो, इतना गाना। मैं 20 घर चलाने के लिए गाता हूँ, मैं अपना घर चलाने के लिए नहीं गाता हूँ, क्योंकि वो 20 कंपनियां होती हैं और उन 20ों के साथ कहीं ना कहीं उनका परिवार जुड़ा होता है, इसलिए मुझे गाना पड़ता है, बाकी कोई बात नहीं। खेसारी जी, इतनी सारी बातें हो गई पर सबसे पहले ये गाना हो जाए बंधु 3 दिन। कहाँ रलो, सुन लेने को कहते हो? तो हीरोइनिया ना गावे लेना, नो एकर गाला ठीक नहीं है।
मैं बंधु तीन दिन तोरे बाड़ी का गलम देखा बेलंगना बंधु तीन दिन दो चार लाइन हीरोइन भी है ना तो उसका भी लाइन है तो उसका लाइन हम नहीं जानते हैं। ये हीरोइन का गला ठीक नहीं है। मैं साथ एक सिंगर भी हूँ, मैं जरूर करती ये गाती हैं। हाँ गुड, ये सिंगर हैं, ये एक्टर बाद में सिंगर पहले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं थोड़ा गला खराब है इसकी, तो मैंने करना जरूरी था। जब हम छाप दिए थे तो बेमतलब उंगली करना जरूरी था। मैंने कहा सबको पता होना चाहिए कि मैं सिंगर भी हूँ। अरे आपको हो सकता है इन फ्यूचर कि बद्री जी मैं और मुझे और सर को एक गाना दे दें। उड़ीसा का कंपनी खोल रहे हैं, आपसे उड़िया गवाएंगे। मैं गा लूंगी, मैं सारी लैंग्वेजेस में काम करती हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप टैलेंटेड है, कूट कूट भरा है आपके अंदर। भैया आप प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, हेने बनिए जे तरीके से गाना और बंद कही जाता, स्ट्राइक मारल जाता, ओकरा बाद हर बार कंट्रोवर्सी में आप ही के लावल जला, हर बार आप ही के द्वारा आप ही के पास लोग आकर के थम जाते हैं, तो इसे उभरने के लिए आप क्या करते हैं? लोकल ट्रेन ना जरावल जला, राजधानी जरावल जला। जिंदगी में एक चीज हमेशा जान लीजिए, मुझे करना आता है, कौन मेरे गाने को ब्लॉक कर रहा है, कौन मुझे डैमेज करना चाहता है। मैं लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर पे नौकर जूठा धो के मैं यहाँ तक आया हूँ। तो जब मेरे पास कुछ औकात मेरी नहीं थी, मुझे 2 रुपए की औकात नहीं थी, तो मैं आज आपके सामने, आप जैसे बड़े भाइयों के सामने, इतने सारे हमारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, इतने सारे टैलेंटों के सामने मैं कुछ कह रहा हूँ। जब मेरी कोई औकात नहीं थी तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज तो मेरी बहुत बड़ी औकात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक हूँ मैं। और उस साम्राज्य क्या है? लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद। उस समय सिर्फ मेरे माँ बाप के आशीर्वाद हुआ करते थे, और मैं आज तो मुझे लगता है जे अरबों में मेरे माँ बाप हैं, अरबों में मेरे भाई हैं, अरबों में मेरी माँ है, अरबों में मेरी बहन है। तो इतने सारे परिवार के एक बेटे को इतना तकलीफ कोई कितना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोगों का प्यार है। खेसारी भैया, आप लाइव आके कह रहे हैं कि ये किसी की साजिश है, कौन है इन सब के पीछे? अभी तो मीडिया का काम है पता करना, हम ही पता करके बताएं। जिंदगी में देखिए एक बात बताएं आपसे, जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो आगे बढ़ने का कोई रीजन नहीं होता है, लेकिन पीछे आने के बहुत सारे रीजन होते हैं उसके। क्योंकि आगे बढ़ने का कोई रीजन उससे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि जो रास्ता वो तय करता है उसको पता ही नहीं है कि इस रास्ते में क्या क्या कष्ट होने वाली है। अगर आपको अपने उन्नति के रास्ते पता चल जाए कि यहाँ कष्ट होगी, वो कष्ट होगी, तो उस कष्ट से इंसान घबरा के अपने आप हथियार डाल देगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन उतरते हैं ना, जब हमें निशा गिराया जाता है तो उसमें भी अपने ही हाथ होते हैं। न तो क्या बढ़िया के राम जी के गली होता है, मैं मतलब माइम करके कौन भेज दे ली। तो जिंदगी में जब भगवान राम को भी ये सारी चीजें सहनी पड़ी है, तो हम लोग एक आम इंसान है। तो मति के गति रति भूत बढ़ाई, जो जन जतन जहां ले पाई। जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है भगवान का नाम लेना। एक घरी बुनियाद घरी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साहब के हरे को टपरा। भगवान का नाम एक बार नाम से ले लीजिए, और मेरे लिए मेरा ईश्वर अगर कोई है तो मेरी जनता है। और मैं हमेशा उठता हूँ ना, तो एक तस्वीर है मेरी एक शो की, हमेशा अपने सिरहाने लगा के रखता हूँ कि मेरी शुरू में वो सिर्फ भीड़ नजर आती है, उसके बाद मैं अपने आप ऊर्जा में आ जाता हूँ। मेरे एक गाने क्या, मेरे 50 नहीं 5000 भी गाने ब्लॉक हो जाएंगे ना, फिर भी कोई मुझे कोई पीछा नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? कितना ब्लॉक करेंगे आप करके देखिए। आप मुझे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, मेरे गानों को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को ब्लॉक कर रहे हैं आप। और एक कंपनी के अंदर इतनी पावर है तो ठीक है। जब एक कंपनी मेरे साथ नहीं थी तब मैं यहां तक पहुंचा, आज तो मुझे लगता है कि तो सारे गमा को क्यों नहीं ब्लॉक कर रहे हैं। होता क्या है बताऊं आपको, ये जितनी कंपनियों को ब्लॉक किया जा रहा है ना, वो कमजोर लोग हैं। वो अपने खेत बेच कर, मजदूरी करके, मेहनत करके, गाना लिख लिख के उन्होंने 2 पैसे कमाया, और कमा के और खेसारी को जितना देना था दिया, क्या दिया मुझे पता नहीं। तो ये गरीब लोग हैं जिनके गाने ब्लॉक हो रहे हैं। अगर उनके अंदर इतना ही औकात है, इतना ही उनकी क्षमता है, इतना ही वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो सारेगामा को कर दो भाई। सारेगामा तो एकदम
सीना ठोक के ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग जा रहा है भाई। तो जिंदगी में हर आदमी एक किस्सा बताता हूं आपको। एक बार भगवान शिव और पार्वती में ठन गई। माँ पार्वती यही बोले कि भगवान ये बताइए कि लोग उजरले के काहे उजरेला। भगवान कहले कि बेमतलब काहे के फेरे में बोल भरू, चलो खाना पीना बनाओ अस्थिर हो जा। तो ना जले आप बताइएगा नहीं तब तक हम खाना नहीं बनाएंगे। कुछ देर के बाद माँ पार्वती इस बात को भूल गई कि मैंने क्या पूछा था। भगवान बोले कि चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में जाने के बाद बोले भगवान की कुछ बनाओ पार्वती, कुछ भूख सी लगी है मुझे। तो माँ ने लकड़ी लाया, ईंटा लाया, खाना बना के उनके सामने परोस दी। तो भगवान पूछे कि बताओ कि लकड़ी कहाँ से आया, तो मैं यहाँ से लाई। भांग कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। ईंटा कहाँ से आया, तो बोले कि दो ईंट था तो एक ईंट वो इनार था, उस इनार में एक इनार थोड़ा सा ढह गया था और दूसरा ठीक था। तो उन्होंने बोला तो किसमें से ईंटा लाई, तो जो ढह गया था उसी में से लेके चली आई। तो उनका शब्द था कि जब तुम दुनिया के मालकिन होकर उजरे हुए एक इनार को उजार के आ गई तो तुम कैसे सोचती हो कि इंसान वो बोरियार के पास जाएगा। तो जिंदगी में हर आदमी उसी को दबाना चाहता है जो कमजोर होता है। सारे काम अभी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। वेब भी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक कंपनी है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं, मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को कौन करके गाना देखे, धजिया उड़ा दो मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है, ठीक है मैंने डील की है किससे, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने। डील मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया। जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। लेकिन ठीक है, उनका पेपर पे साइन किया, वहां पढ़ा लिखना है, भाईचारा के हीरो बन गए, हम क्या करें, हमारे क्या गलती लगाई है। अब भाई चराने वाले कोई लोगों ने प्यार दिया, मैंने मेहनत की और मैं यहां तक पहुंच गया। एक भाई चराने वाला आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया, तो ठीक है ना। और अपने ही लोग काटने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है कि अच्छा जितने इंडस्ट्री में लोग हैं, मैंने खेसारी के चाहते थे हीरो रहस के चाहते थे खाली करेगा ना बाजी, नहीं। जिंदगी में हर आदमी जो मेरे कंपटीटर है, जो मेरे कोई नहीं चाहता है। अच्छा आप चाहिएगा जब कोई मीडिया वाला आपसे ज्यादा बड़ा हो जाए, नहीं ना। हर आदमी का एक, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि किसी को प्लानिंग से बर्बाद मत करिए। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो अपनी मेहनत से, अपने ऊर्जा से किसी को तबाह कर दीजिए, अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो। अगर आपको अगर प्लानिंग ही आती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ जिम करके देखे। बस पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ दौड़ के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे साथ नाच के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे इतना सॉन्ग गा के देखे, मेरे इतना वर्क करके देखे। मैं किसी को रोकने नहीं गया हूँ। लोगों को करने नहीं आता है और लोग कर नहीं पाते हैं तो भाई खेसारी को कैसे भी डिस्टर्ब करके दबाया जाए, बट मैं इस पे भी फोकस नहीं करता। आपके अंदर दबाने की पावर है, मेरे अंदर करने की पावर, मेरे अंदर दौड़ने की पावर, मेरे आपको अंदर रोकने की पावर है। कितने देर तक आप बाढ़ को रोक सकते हैं सर, जाइए डैम खोली हो जिनको एक गांव डूबाई होकर पत्ते लिखे डेमो खुले तो ना। अच्छा ये एग्रीमेंट है जीवन भर हमार। अच्छा ये होटल होती वो कहाँ जाइए जी डिलेट मारता रहे। तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किसी चीज का सॉल्व नहीं है। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि प्यार से अगर चीजें हो जाए तो दुनिया में हर चीज मैनेज हो सकती है। मेरा यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो एग्रीमेंट हो, जब जीवन का रिश्ता जब खत्म हो सकता है किसी पेपर के तहत, तो क्या वो खत्म नहीं होगा, सब कुछ खत्म होने वाला है। बट ठीक है, वो एक जिद है किसी की और मैं उस जिद के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे दुख नहीं है। हम महीना के 20 गाने गाते हैं, कितना डिलीट मारिएगा। अभी हम कम से कम 50 को गाते ही गाने वाले हैं, कई को डिलीट मारे मार के देखें। अगर आपकी औकात है तो सारे गांव को छू के देखिए, आपको भी समझ में आएगा ना कि आप कहाँ छू रहे हैं। नहीं छू सकते, तीसरी को छू के देखिए, नहीं छू सकते। तो वो भी जानते हैं कि किसको मुझे छूना है। वो कमजोर लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को चलाने के लिए खेसारी लाल यादव को अपने पास रखे हैं, बट कोई नहीं। उनका परिवार जब बंद होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। माँ दुर्गा है, अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत होगा। मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ, इस नवरात्रि के टाइम पे मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता।
बट मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ कि माँ अगर मैंने गलत किया होगा उस इंसान के साथ तो प्लीज मुझे वो सजा देना, अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनको सजा मिलेगी। छोड़ दीजिए, कभी कभी भगवान से छोड़ना चाहिए। बद्री सर आपसे मेरा एक सवाल है, सारे गामा हम भोजपुरी निरंतर नए नए प्रयोग करती है, अच्छे अच्छे गाने लाती है, और आप भोजपुरी की दिशा सुधारने में भी लगे हुए हैं, आपके पसंदीदा अच्छे गायक अच्छे अच्छे गाने भी गाते हैं, ट्रेंडिंग भी होता है, और तब तक में क्या होता है कि आप एक अच्छे गाने लाते हैं, दिशा दशा सुधारने का प्रयास करते हैं, तब तक आपके ही कुछ चाहते गायक ढोरी चोली वाला अपना सॉन्ग ले आते हैं, तो उससे आप कैसे निजात दिलाएंगे? तो इसका जवाब तो खेसारी जी ने दे दिया है कि अगर हम लोग अच्छे पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अच्छा ही लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने नथुनिया किया, नथुनिया के बाद हम लोगों ने इनका देवी गीत किया, भव्य देवी गीत था, वो भी ट्रेंड कर रहा है, आज भी ट्रेंड कर रहा है, अभी हम लोगों ने बंदूक तीन दिन लिया, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक चेंज के ऊपर कि हम लोग कैसे अपने ऑडियंस को एलिवेट करें, और आने वाले समय में जब हम लोग फिल्म में भी जब अपना आउटपुट देंगे आपको, तो आप देखेंगे कि वो चेंज कैसे लेके आ रहे हैं। आज ये कहते हैं कि मतलब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो हम लोग तरफ वाले लोग रहते हैं, तो बादशाह वाले गाने मुझे ऐसा लगता है मुंबई एयरपोर्ट पे रोक के मुझे बोला था, मतलब जनरली बात होता है कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि अच्छा वो जो बादशाह से रैप कैसे करवा लिया, तो ये जो चीज है जो चेंज है हम लोग निरंतर करते रहेंगे तो अपने आप चीजें बदलेंगे। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि मतलब किसी भी भाषा या कलाकार का कोई सीमा नहीं होता है, तो इम्प्रूव करेंगे हम लोग को। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, सॉरी मतलब ये बताना चाहूंगा मैं कि सबसे कम रेवेन्यू यूट्यूब से हमें मिलता था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुझे लगता है कि 16,000 मिलियन, मतलब 16,000 हमको हजार सबसे बड़ी जानते हैं कि हम गांव के आदमी, हमको ना हजार समझ में आता है ना 1,000 समझ में आता है, जो मुंह में आता है वही समझ में आता है। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली वो कंपनी होगी भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ये उनका ऊर्जा है। और हमारे पत्रकार महोदय नाना, मैं आपका रंजन जी, रंजन जी ना, रंजन जी ने पूछा आपका सवाल बिल्कुल सही था रंजन भैया, बोला था नहीं। और आप एक, मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको जानता हूँ, आने से पहले कि आने के बाद जाना तो मुझे पता चला कि देखिए गार्जियन स्वरूप आप मेरे लिए हमेशा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस पे हमें फोकस करना चाहिए, दुनिया क्या कर रही है इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो शायद उलझ के रह जाएंगे, हमारे अंदर जो क्षमता है हम उससे अपने आप को, अपने समाज को, अपने भाषा को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अब दुनिया क्या कर रही है, अगर हम दुनिया को बदलने जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक एक आदमी को बदलना बहुत कठिन काम है, इसीलिए आप खुद को बदल दीजिए, दुनिया तो आप में ही है, अपने आप को दुनिया समझ लो और अपने आप को बदल दो, शायद मैंने अपने आप को बदला तो आज पूरी दुनिया तो मेरी ही है ना, तो खुद को बदलिए, दुनिया को मत बदलिए कि दुनिया क्या कर रही है। आशी मैम एक आपसे सवाल है, आशी मैम से एक सवाल है, पहले आवाज ठीक नहीं है, पहले वाले में चेन आपने लिया था खेसारी जी का गाने में, हाँ इस बार भी कुछ आपका कॉस्ट्यूम में कमी पड़ा था क्या, खेसारी जी से हेल्प लेना पड़ा था क्या, और गाने दूसरा गाना है उनके साथ, तो कैसा है आपको काम करके अनुभव हुआ दूसरे गाने में? मुझे एक्चुअली ये गाना हमने पहले शूट किया था, नथनिया हमने बाद में किया था, तो इस टाइम पे सर ने मुझे एक्सप्रेशंस बताए थे कैसे देने हैं, बिकॉज मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है अच्छे से भोजपुरी, तो सर ने मुझे एक एक मतलब समझाया था, देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और काफ़ी मज़ा आया, सर के साथ बहुत फ्रेंडली नेचर है, सर के साथ दोस्तों वाली बातचीत करते हो, है ना सर, हम दोस्त है ना, पहली बार हम दोस्त नहीं बनाते हैं, या तो राखी बांधो नहीं तो बीवी बन जाओ। बद्री भैया मस्ती खाए, इसको दिल पे मत लेना, नहीं सर बहुत फनी है, रखे वाला दिल पे ले लेना, बाकी दिल पे मत लेना। बद्री भैया से एक सवाल होगा, बद्री भैया आपके चैनल पे सारे गाने आते हैं, सब स्टार्स के आते हैं, दो स्टार के गाने बड़े चलते हैं, बहुत सुपरस्टार है दोनों लोग, आपकी नजर में कौन सुपरस्टार है, क्योंकि ये सवाल यूट्यूब पे बहुत चलने वाला है, तो आपकी नजर में कौन सबसे बड़ा चलेगा? पहली बार बद्री झा फंसे हैं और
क्लियर बताना पड़ेगा, कोई घुमा, मैं इधर हूँ, चिंता मत कर आपके साथ में। तो मैं सुपरस्टार के साथ क्या कह रहे तो नहीं, तो खेसारी जी को देख के वो फीलिंग आता है ना कि काजल सिर्फ तुम सिर्फ मेरी हो वाला। क्या बात है, मुझे मुझे कि काजल सिर्फ तुम मेरी हो, मेरी वाली कौन सी थी वो पता, वो भी तो डिस्कशन का मोड है वो फिर कभी। हाँ तो ये देखिए सुपरस्टार तो है खेसारी जी, जबरदस्त सुपरस्टार है, उनका जो फैन फॉलोइंग है, मतलब चैनल पे पहला गाना उन्होंने दिया मुझे और सफर जीरो से शुरू किया था हमने, आज 8 मिलियन पे है हम लोग। तो ये सफर तो हम लोग कह तो रहा हूँ कि चैनल खेसारी जी का था। खेसारी भैया एक सवाल है आप,